अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आज हम परी मिर्ची का अचार बना रहे कोकनी तरीके से। ये देखो, ये मिर्ची बड़ी वाली है, ये तीखी नहीं रहती। इसको हमने तीन हिस्से में काटे और ऐसी चीर के रखे हैं। धो के साफ करके इसको कपड़े से पोंछ के पानी पूरा निकाल के सूखा करके देखो ऐसी काट के रखे हैं। ये धरधरी पीस के मिर्ची लिए हैं। ये मिर्ची है 2 चम्मच भर के, ये 2 चम्मच भर के ये मिर्ची है। ये नमक 4 चम्मच है। जितना नमक डालेंगे ना वो उतना अचार टिकता है, मतलब खराब नहीं होता है। ये 4 चम्मच नमक है। 1/2 चम्मच हल्दी है और ये 2 चम्मच भर के धरधरी पीस के धनिया लिए। देखो ऐसी धरधरी पीस के लिए। ये 2 बड़े बड़े लहसुन है, इसको चॉप करके लिए। ये देखो राय, आप पीली लो या काली लो, कौन सी भी राय चलती है। ये 1 चम्मच भर के राय है, इसको धरधरी पीस के लिए। जीरा है 1 चम्मच, उसको धरधरा पीसे। हल्दी 1/2 चम्मच है। ये विनीगर 1 चम्मच है। आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो 2 चम्मच डालो। ये विनीगर अगर ज़्यादा रखने की मिर्ची तो ज़्यादा विनीगर डालने का। ये तो मिर्ची 2 दिन में हमारा खलास हो जाएगी। 1 चम्मच विनीगर लिए और 1 चम्मच धरधरी पीस के मेथी लिए, मेथी दाना। अभी मसाला भुनने के लिए ये 2 चम्मच भर के तेल डालेंगे। ये देखो अभी ये मसाला पूरा भुनने का है। ऐसी खुशबू आती है कोकनी तरीके से। कोकनी लोग का अचार बना रहे हैं, हाँ ऐसे मेरे तरीके से बनाओ, कितना टेस्टी लगेगा। एक बार बनाओ तो 1000 बार बनाएंगे। ये देखो तेल गरम हो गया, 2 चम्मच तेल डाले। ये 2 लहसुन है, इसको धरधरा पीस के लिए, बारीक नहीं पीसने का, धरधरा पीसने का। और मसाला ज़्यादा नहीं भुनने का, अगर बहुत रखने का है, ज़्यादा मसाला है तो ज़्यादा भुनो। ये थोड़ा सा है तो ज़्यादा मत भुनो। ये इसलिए भुनने का कि रखने के लिए, साल साल रखते ना, एक एक साल चलाते, ज़्यादा बनाते, 5 किलो 10 किलो, तो ज़्यादा भुनने का। अभी ये लहसुन को खाली कलर बदली करने का, एकदम ज़्यादा नहीं भुनने का। ये मिर्ची में 1/2 नमक डालेंगे, 1/2 नमक बाद में डालेंगे और इसको कला के रखेंगे। ये देखिए कलर बदली हो गया। जीरा डालेंगे, ये जीरा धरधरा पीसे हैं। राय डालें, धनिया डालें, हल्दी डालें, सबको धरधरा पीस के डालें। अभी इसमें ये तीखी नहीं रहती ना मिर्ची, इसलिए इसमें ऐसी कुटी हुई मिर्ची डालने का, कैसा पाउडर नहीं डालेंगे। और ये अभी नमक इसमें डालें। अभी इसको भुनेंगे खुशबू आने तक। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें, बहुत टेस्टी लगता है। दाल चावल के साथ अचार, कुछ खाना नहीं बनाए तो मिर्ची का अचार निकालो, दाल चावल बनाओ, फर्स्ट क्लास खाने का। मसाला भून के हो गया, अभी हम गैस बंद कर रहे। अभी ये विनीगर डाल के लगाएंगे, मिक्स करें। विनीगर इसके लिए थोड़ा खट्टा लगने के लिए, आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ज़्यादा डालो। अभी इसमें मसाला लगा देंगे। ये देखो अभी ये मसाला डाल दें। ऐसा मेरे तरीके से बनाओ, खाओ, कोकनी तरीके से है, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ऐसा मिक्स करने का, अपन तो पहले से इसको काट के रखे हैं, अभी ये मिक्स किए। ये देखो तेल गरम करके रखे थे, अभी ठंडा हो गया। ये ठंडा तेल हो गया कि उसमें तेल डालेंगे। ये देखे
मूंगफली का तेल डालेंगे इसमें, पूरा 4 चम्मच तेल लगता है, 2 चम्मच भुनने को, 2 चम्मच ऊपर से डालने को। अचार बन के तैयार। ऐसा अचार बनाओ, कोकनी तरीके से बनाई हूँ, ऐसा अचार बनाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो प्लीज़।